सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 रीजंस टू बाय जावा 42 2.1। ऐसी पांच कौन सी चीजें जिसकी वजह से आपको बाइक लेनी चाहिए। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल यहां पर एक बार वॉक अराउंड के बारे में। छोटा सा मैं आपको एक वॉक अराउंड देता हूं इस बाइक का। सो दिस इज हाउ द जावा 42 2.1 लुक्स लाइक। यहां पर दो कलर्स के अंदर ये बाइक मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगती है, व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर दोनों के अंदर। एंड व्हाइट कलर जो है थोड़ा सा एक डिफरेंट लगता है बिकॉज एक डुअल कलर सेटअप आपको देखने को मिलता है ब्लैक एंड व्हाइट के साथ। एंड जो ब्लैक वाला आता है दैट इज कंप्लीट ऑल ब्लैक, तो वो तो बहुत ही अल्टीमेट लगता है। प्राइस के बारे में बात करें 2,40,000 रुपीज इज द ऑन रोड प्राइस ऑफ दिस स्पेसिफिक बाइक स्पेसिफिक मॉडल। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम फीचर्स के साथ, रीजंस के साथ। पहला रीजन जो इस बाइक को खरीदने का होगा वो डेफिनेटली इस बाइक का लुक है, बिकॉज द मस्कुलर एंड द अमेजिंग लुक दैट दिस बाइक हैज इज रियली नाइस। बहुत ही कॉम्पैक्ट एक शानदार बाइक है, बिकॉज चलने में जितनी अच्छी है दिखने में भी उतनी ज़्यादा बढ़िया लगती है। ब्लैक कलर के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है एंड यहाँ पर व्हाइट कलर के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। सो दिस इज जावा 42 2.1, दिस इज हाउ दिस बाइक लुक्स लाइक। एक बार मैं आपको दोनों साइड से दिखाता हूँ उस बाइक को एंड ओवरऑल दिस इज द लुक ऑफ दिस बाइक। यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स सेटअप देखने को मिलेगा फ्रंट और रियर दोनों में। डिस्क ब्रेक्स आते हैं, डुअल चैनल एबीएस आता है एंड व्हाट नॉट, दिस इज अ रियली प्रीमियम बाइक। सेकंड रीजन जो इस बाइक को खरीदने का हुआ वो हुआ इस बाइक का राइडिंग एक्सपीरियंस। ये एक बहुत एक डिफरेंट एक आपको एक्सपीरियंस देगी जब इस बाइक को चलाएंगे, बिकॉज ये एक बहुत फन बाइक है। मुझे पर्सनली 42 जब भी मैं चलाता हूँ मुझे मज़ा आता है एक मज़ेदार बाइक से। मतलब अगर आप वीकेंड पे एक फ़न राइड करना चाहते हो, एक ऐसी बाइक चलाना चाहते हो जिसको चला के आपको खुशी हो, जिसको आप चला के मज़ा आए, तो मेरे हिसाब से 42 2.1 आपके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट बाइक होगी। बिकॉज द राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस बाइक इज़ कम्प्लीटली ऑन अ डिफरेंट लेवल। बिकॉज जो इस बाइक का इंजन का एक वो एक स्मूदनेस, हल्का सा एक जो वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा, एक जो फील आएगा बाइक को चलाते समय, वो आपको बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलता है दूसरी बाइक से। यहाँ पर आपको डुअल एग्जॉस्ट सेटअप भी देखने को मिलता है, 1 at the right and 1 at the left। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया एग्जॉस्ट नोड भी आता है इस बाइक का। एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट नोड भी सुनाता हूँ इस बाइक का। तो गाइस कुछ इस प्रकार का एग्जॉस्ट नोट था, आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर हम बात करें रीजन नंबर 3 टू राइड दिस बाइक, टू बाय दिस बाइक इज द कंफर्ट। ब्यूटीफुल कंफर्ट है, स्पेशली जो राइडर कंफर्ट है वो तो बहुत ही मज़ेदार है, और जो पिलिंग का कंफर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पर अगर आप बैक रेस्ट वगैरह थोड़ा सीट लगा लो तो और भी ज़्यादा कंफर्ट आपका बढ़ जाएगा। बाकी यार ये बाइक चलाने में जो मज़ा आता है ना यार, वो अलग ही लेवल पे। कंफर्ट बहुत ज़्यादा है बिकॉज इसके हैंडल बार से बहुत ही अच्छी तरीके से पोजिशन है एंड बहुत वाइड हैंडल बार से, तो एक आपको ईजिली एक बहुत वाइड आप हाथ करके कंफर्ट एक आपको जो मिलता है, एक जो सिटिंग कंफर्ट आपको मिलता है उस बाइक के अंदर, वो बहुत ही अलग लेवल पे है। तो उसका मैं डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी बड़ा फैन हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें जावा 42 2.1 की, एक काइंड ऑफ ड्रैगस्टर हैंडल बार्स टाइप आपको यहाँ पर सेटअप देखने को मिलता है। अभी हम बात कर लेते हैं रीजन नंबर 4 टू बाय दिस बाइक इज द काइंड ऑफ क्वालिटी दिस बाइक हैज़। यहाँ पर हम हर एक चीज़ के बारे में बात करें, चाहे ब्रेक्स के बारे में बात कर लें। यहाँ पर आपको लगभग 280 mm का फ्रंट ब्रेक देखने को मिलता है, बाइबी कैलिपर्स देखने को मिलते हैं, 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, अलॉय व्हील्स की क्वालिटी अच्छी है। सस्पेंशन सेटअप अपसाइड डाउन की जगह आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर मतलब ओवरऑल हर एक चीज़ जो है आपको अच्छी क्वालिटी की देखने को मिलती है। मतलब यहाँ इतना प्लास्टिक पार्ट्स का यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एक मेटल पार्ट्स का यूज़ हुआ है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखाऊँ, एक बार आपको हेडलाइट क्लस्टर भी दिखाऊँ तो आपको कंप्लीट हैलोजन हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलेगा। बल्ब इंडिकेटर्स आपको यहाँ बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं, बहुत ही क्यूट राउंड लुकिंग बल्ब इंडिकेटर्स हैं। ओवरऑल यहाँ पर हम बात करें तो रियर पार्ट्स में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। ये फेंडर जो है प्रॉपर मेटल का है, ये आप देख सकते हैं। हर एक चीज़ आपको एक बेटर लुकिंग वाली एक अच्छी तरीके से इंजीनियर्ड चीज़ देखने को मिलेगी। स्पेशली जो अलॉय व्हील्स हैं वो बहुत ही मस्त लुक वाले आते हैं। पीछे वाला अलॉय व्हील आपको यहाँ पर 17 इंच का देखने को मिलता है, फ्रंट वाला आपको 18 इंच का देखने को मिलता है। सो क्वालिटी इज़ अ वेरी गुड, मतलब दिस बाइक हैज़ अ रियली नाइस क्वालिटी अकॉर्डिंग टू मी। अब यहाँ बात कर लेते हैं फीचर नंबर 5th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द वैल्यू फॉर मनी। बिकॉज 2,40,000 रुपये एक डिसेंट अमाउंट होता है एंड उतने अमाउंट में अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी बाइक नहीं मिले तो उस लेने का कोई मतलब नहीं होता। वहीं अगर हम यहाँ बात करें 42 2.1 के बारे में, तो वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली ये बाइक है, पैसा वसूल ये गाड़ी है। बिकॉज हमें बाइक्स में ज़्यादा क्या चाहिए होता है, एक तो लुक बहुत बढ़िया हो, एक इंजन बहुत बढ़िया हो, ब्रेक्स शानदार हो, कंफर्टेबल हो, ये चार चीज़ें बहुत मेन चीज़ रहती हैं। माइलेज बहुत बढ़िया बाइक का, पाँच चीज़ें ओवरऑल यहाँ मेन रहती हैं कोई बाइक खरीदने के लिए। तो लुक आपको बहुत बढ़िया मिल ही रहा है। सेकेंड चीज़ अगर हम बात करें इंजन के बारे में,
बहुत फन इंजन है, 293 सीसी का इंजन है, मज़ा आ जाएगा। 6 गियर आते हैं बाइक के अंदर, गियर शिफ्ट्स बहुत प्यारी हैं एंड स्पेसिफिकली जो इस बाइक को एक हल्का सा वाइब्रेशन जो आता है इस बाइक को चलाते समय, वो जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया कर देता है। यहाँ पर हम माइलेज के बारे में बात करें, 33 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा का माइलेज ईजिली देती है बाइक अगर हम ढंग से इस बाइक को चलाते हैं। ब्रेक्स मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, डुअल चैनल ईबीएस आता है, ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी डिसेंट है, सिटी के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, हाईवे के हिसाब से भी काफ़ी डिसेंट आपको देखने को मिलता है। कम्फर्ट लेवल इज़ अल्टीमेट ऑन दिस बाइक। तो ये 5 चीज़ें हमें जो चाहिए होती है बाइक के अंदर वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। जावा 42.1 के बारे में आपको कैसी लगती है 42.1 लेटेस्ट यहाँ पर जो इंडियन मार्केट में आती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मिलेगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिखा रहा है throttle_98 इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। सो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर पावर डे, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी इन बाइक सेफ, बाय बाय।